या भाषणावरती देशभरामधून विविध नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. भाजप नेत्यांनी मोदींच्या डिजिटल इंडियाचं स्वागत केलं, तर विरोधकांनी काळा धनासारख्या महत्वाचा मुद्दा मांडला नाही याबद्दल मोदींवर टीका केली. नरेंद्र मोदी जी के भाषण में बहुत एक्साइटमेंट भी नजर आया. नरेंद्र मोदी जी के भाषण में बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात भी की. मैं आज 15 अगस्त को उनके भाषण पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे अहम मुद्दों पर उन्होंने देश को नहीं बताया वो क्या करना चाहते. काले धन की कोई चर्चा नहीं हुई. मोदी जी ने देश की उम्मीदों को फिर से जगाया है. उन्होंने मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इस देश में जिस तरह से महिलाओं की चिंता, सद्भावना और भाईचारा का विचार, इन सब चीजों को समाहित इसमें किया है. ये भाषण ऐतिहासिक है. देश के लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. जैसे चुनावी भाषण उनके हुआ करते थे, उतना उत्साह और उतना उसका प्रभाव नहीं पाया गया. लोगों की अपेक्षाएं थी कि एक बहुत अच्छा भाषण सुनने मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के संबंध में जो बातें की, जो वादे किए हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो लगभग बहुत ही कठिन है कि उनको करके दिखाया जाए. और उन्होंने जो प्राथमिकताएं बताई हैं, बड़े दुख की बात है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक बलवे होते हैं देश में, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी विविध घटकांनी